एंगल आपको तकरीबन ऐसे रेस्ट में 25 माइनस लग रहा है, जीरो से भी नहीं है, एबडक्शन प्लस में जाएगा। एडक्शन हम नहीं कर रहे, माइनस एबडक्शन, एडक्शन भी हम कह सकते थे, मगर वहाँ स्कोरिंग में लिखा हुआ है माइनस एबडक्शन या प्लस एबडक्शन। अगर हम इसको ऐसे कर लें, ये वन ऑफ जजमेंट है, तो ये जीरो तक आ जाता है, प्लस 50 डिग्री फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो एबडक्शन फुल अचीव नहीं हो रही, मगर ये गुम हो जाता है, इट गोज टू द न्यूट्रल, ठीक है। एक तो यह एबडक्शन जो आप स्कोरिंग करते हो, एबडक्शन जीरो या माइनस प्लस 10 करते हैं, ठीक है। और फिर डार्सिफ्लेक्शन को भी आप करते हो, उसमें होता है डार्सिफ्लेक्शन कितना है, तो वहाँ का स्कोर लिखा हुआ है डार्सिफ्लेक्शन। तो डार्सिफ्लेक्शन अगर ये नीचे है तो डार्सिफ्लेक्शन माइनस है, टू माइनस, माइनस 30, माइनस 40, जीरो, और ऊपर ये नहीं जा रहा है, 10 डिग्री, ठीक है। 5 साल के बच्चे में 20 डिग्री डार्सिफ्लेक्शन एक्सेप्टेबल, 8 साल के बच्चे में जो हमने गाइडलाइंस बनाई थी उसमें 15 डिग्री एक्सेप्टेबल, अदरवाइज हम कहते हैं 30 डिग्री बच्चा। इसमें थोड़ा सा रिलैप्स ये हुआ है, और एक पूरा कर लेना असेसमेंट के लिए बेटर वर्कशॉप होगी ना, ठीक है ना। और इसमें जो है एंड ऑफ एक्लिस लेंथनिंग हुई, प्रोबेबली पोस्टीरियर कैप्सुलर आर्टरी भी की होगी, उसके दो मेजर फैक्टर्स, you must do the posterior capsulotomy, number one, and when you are doing the posterior capsulotomy, be careful about the posterior peroneal tendon, वो वहाँ ही पड़ा होता है, अगर आप उसने ब्लेड से किया तो वो चला जाता है, फिर आपको peroneal weakness मिलती है, जो एक प्राइमरी ना हो वो बाद में डेवलप हो जाती है। अब हम इसको peroneal का देखेंगे कि स्कोर कितना है, बेटा ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, that is getting prominent, here is the prominence, अब ये बहुत बस काफी काफी। अब इसका पावर देखो जैसे करो, ठीक है, इट्स वेरी गुड पावर, ये देखिए बड़ा प्रोमिनेंट हो तो यहां तक जा रहा है, ठीक है, प्रोमिनेंट, इसमें स्पेरुला है या वर्किंग, अब इसका प्रॉब्लम रिकरेंस, देन सेकंड फैक्टर जो है दैट इज द एलेक्सर हेलुसिस लार्जस, आई ऑलवेज चेक व्हेन टू डार्सिफ्लेक्शन एंड सी, अगर ये 90 डिग्री डार्सिफ्लेक्शन के बाद अगर हील नीचे जाए, ये इसका मतलब है ये इसका टाइट है, यू मस्ट डू उसको भी कर देना चाहिए। ये कल्प्रिट जो है ऐसे जैसे ये ना, ये दिस इज द टिपिकल पोजिशन, हेलुसिस इज इंटैक्ट, और हेलुसिस चलते चलते वही खींचता रहता है, दैट इज वर्किंग लाइक एन एंडोवेक्लिस, और फिर वो रिलैप्स करता है। नंबर 3, इस केस में हम देखते हैं कि टीबीएलएस एंटीरियर जो ट्रांसफर किया, यहां से किया इसमें, उसमें किया या नजर दिया इसमें, देखिए उसने इसमें से किया, ये नॉर्मल फेलियर, ठीक है, कोई मसला नहीं सर, फेलियर हमसे भी होते हैं। अब इसमें अगर स्कोरिंग हम करें ना, तो इसमें स्कोर ज्यादा है, ज्यादा, ये प्लांटिग्रेड नहीं जा रहा, -20 तक जा रहा है, लेटरल बॉर्डर इसके, ये क्रीज भी मौजूद है लेटरल, और यहां से अगर लेटरल बॉर्डर फिर से देखें, ये लेटरल बॉर्डर पीछे से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इसका स्कोर उधर का 2 था, तो इसका 3 है, राइट, और उसके बाद डार्सी प्लेस करके देखें तो इसकी है थोड़ा बहुत टाइट, मे बी इस मच मे बी द वन कल्प्रेट, कि जो उसको उसने बाप आई मैं फील कर रहा हूँ इसमें। और ऐसे बच्चों में क्या होता है कि जो शार्ट मसल्स है ना, वो भी केवस करते करते वो रिकरेंस कर देते हैं। अब ये टीबीएलएस एंटीरियर ट्रांसफर किया, दिया है इसने टीबीएलएस एंटीरियर ट्रांसफर किया, तो उसके बाद असेस करें कि वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस जगह पर ट्रांसफर किया, तरीके का ये कितनी उम्र है, 40 है, इसकी रिलैक्स रीजन क्या है, मे बी इसकी फिजियोथेरेपी है, टीबीएलएस एंटीरियर की इतनी अच्छी एक्सरसाइज बाद में, क्योंकि जो भी चीज आप रिप्लेस करते हो उसको फिर रीइंफोर्स करना पड़ता है, और ये बच्चे इस तरह से फॉलो नहीं करते, तो इसी तरह से उनको फिजियोथेरेपी प्रॉपर तरीके से कराएं तो शायद ये बेहतर हो जाए।